गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो हम लोगों ने एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में एक अप्रोच होती है कार्डिनल, है ना, दूसरी अप्रोच होती है ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच में हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू पता करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, और हम लोगों ने हम ये पता कर रखा है कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम जहाँ पर होता है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। अब ये जो नेक्स्ट अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच में दो चीज़ें हमें पढ़ने की रहती है। पहली चीज़ जो हमें पढ़ने की रहती है वो होती है इंडिफरेंस कर्व। क्या होती है? अब हम पढ़ चुके हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। ऐसा होता है ना, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एमआरएस जो है वो क्या होती है, एमआरएस जो होती है वो क्या होती है, डिक्लाइन होती है। क्या होती है? डिक्लाइन होती है। अब इंडिफरेंस कर्व हम पढ़ चुके हैं पिछले बार, अभी फिलहाल हम मैं आपको इंडिफरेंस कर्व के पहले बजट लाइन बताऊंगा, फिर इंडिफरेंस कर्व पे वापस आएंगे एक बार और। तो पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको वापस बजट लाइन के बारे में बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? बजट लाइन। ये दो चीज़ें मिलकर तय करती है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है या कहाँ होगा, है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा या कौन सा वाला बंडल जो है कंज्यूमर खरीदना पसंद करेगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व किससे बनता है? बंडल्स। इंडिफरेंस कर्व इटसेल्फ अ प्रेजेंटेशन ऑफ बंडल्स और द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन बाय, है ना, और विच अ कंज्यूमर कैन बाय विथ नो डिफरेंस इन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। उनको उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसे बंडल्स जो होते हैं उन बंडल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है? इंडिफरेंस कर्व है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे बढ़े हम। अब मान लो कि कोई दो चीज़ हैं, आप खरीद रहे हो। अब दो चीज़ आप खरीद रहे हो, मान लेता हूँ मैं, एक एप्पल है ना, और एक बनाना है, ठीक है, एक एप्पल है और एक बनाना है, पूरे ही लिख देता हूँ मैं, एप्पल और बनाना, ठीक है। और आपकी जेब में है कितने रुपए हैं? आपकी जेब में मान लो कि 100 रुपये। कितने रुपए हैं? 100 रुपये। 100 रुपीज़ का बजट है, ठीक। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यदि इनकी प्राइस, इसकी प्राइस जो है मान लो कि 20 रुपये है, इसकी प्राइस मान लो कि 10 रुपये। प्राइस ये मान लो x है तो ये क्या हो गया भाई, तो इनकी पी एक्स कितना है? 20, और ये पी वाई कितना है? 10। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? देखो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। कॉम्बिनेशन मान लो लीजिए नंबर 1, ये हम खरीदते ही नहीं है, तो ये कितने खरीद पाएंगे? 10 खरीद पाएंगे। 100 रुपये में 10 रुपये की चीज़ कितनी आएगी? 10 ही आएगी, ठीक है ना। फिर यदि मान लो ये हम दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, या मैं कॉम्बिनेशन को नाम देता हूँ ए बी सी डी ई एफ, ऐसे नाम देता हूँ। मान लो मैं एक खरीदूँगा 20 रुपये का, एक खरीदूँगा तो बचे कितने? 80 रुपये। मतलब ये कितने खरीद पाऊँगा? ये दो खरीदूंगा तो 6। ये कितने खरीद पाऊंगा? 6, क्योंकि दो यानी कि 40 रुपये खर्चा हो गया, बचे कितने? 60 रुपये। 60 रुपये में कितने आएंगे? 6 ही आएंगे, है ना। फिर मान लो ये 3 खरीदा तो 20 या 60 रुपये खर्च हो गए, बचे 40 रुपये, यानी कि 4। फिर 4 खरीद रहा हूँ तो 80 रुपये खर्च हो गए, 20 रुपये का कह दो, 2। 5 खरीद रहा हूँ तो उधर कुछ बचेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, यही बात है। इसी बात को यदि मैं एक ग्राफ पर प्लॉट कर लूँ, तो वो जो ग्राफ पर प्लॉट करूँगा और एक लाइन बनेगी, वो लाइन क्या रहेगी? बजट लाइन रहेगी, है ना। ये हमेशा 100 रुपीज़ ही रहेगा, जैसे कि ये 0 × 10 करा, ये सब करने जरूरत है क्या समझाने की? कोई ज़रूरत नहीं है। 100 रुपये खर्च हो रहा है, सभी में 100 रुपये खर्च हो रहा है ना सर, हर सभी बंडल में 100 रुपये ही खर्च हो रहा है। सभी बंडल में समानता क्या है? 100 रुपये ही खर्च हो रहा है, ठीक। और इतनी ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। नहीं बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी। तो अब यदि इसी बात को मैं एक ग्राफ पर प्लॉट कर दूं तो ये क्या बनेगी? बजट लाइन। क्या बनेगी? बजट लाइन। आप एक काम करो, एप्पल को इधर और
बनाना को इस साइड प्लॉट कर दो, एप्पल 1 2 3 4 5 तक है तो 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 हुआ, और ये इसको जो है 10 तक है ये, तो 0 से राइट हैंड 2 कर दो, 4 6 8 10 ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 0 पे कितना है, 0 पर 10 है, 1 पे कितना है, 1 पर 8 है, तो ये 1 पे 8 का मैंने लगा दिया, 2 पर 6, 3 पर 4, 4 पर 2, 5 पर 0, मतलब एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे बजट लाइन, इसको क्या बोलेंगे, बजट लाइन। ये स्ट्रेट क्यों है, ये स्ट्रेट क्यों है, क्योंकि जो इनके बीच में जो सेक्रीफाइस का रेशियो है वो रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। कैसे है, देखो बताऊं मैं आपको, यहाँ मैं ये रेशियो बता देता हूँ, आपको यहाँ एक पाने के लिए दो खोना पड़े, यहाँ वापस एक पाने के लिए दो खोना पड़े, एक पाने के लिए दो खोना पड़े, एक पाने के लिए दो खोना पड़ रहा है, एक पाने के लिए दो खोना पड़ रहा है, ठीक। यानी कि जो रेशियो है सेक्रीफाइस का रेशियो है वो 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2 ऐसा ही है ना। और जब भी कोई रेशियो कांस्टेंट होता है तो हमको मालूम है स्ट्रेट लाइन बनती है, तो बजट लाइन क्या बनेगी, स्ट्रेट, क्या बनेगी, स्ट्रेट, क्यों, क्योंकि उनका रेशियो ऐसा ही आएगा, क्योंकि अमाउंट जो है वो सेम है, तो रेशियो हमेशा ऐसा ही आएगा। और ये कॉन्वेक्स बनता है, ये कॉन्वेक्स क्यों बनता है, क्योंकि जो ये रेशियो है, ये सेक्रीफाइस का रेशियो है, ये डिक्रीजिंग है, इसलिए ये कॉन्वेक्स बनता है, ठीक। तो बजट लाइन क्या होती है, समझ में आ गई क्या, अभी मैं आपको एक एग्जांपल इंडिफरेंस कर्व का वापस से समझा देता हूँ, फिर हम इन दोनों को देख करके देखेंगे कि मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। तो आप मान लो कि एक केस आप ले रहे हो इन डिफरेंस कर्व का, कोई सा भी एक केस ले लो आप। अब मान लो कि आप कोई दो गुड्स हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम है, तो एक कॉम्बिनेशन तो ये बन सकता है कि आप इसको खरीदे ही मत, और ये मान लो आप ये आप 20 खरीद ले, या ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो कि ये एक खरीदे और ये 20 खरीद ले, तो आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो एक्स है, वो क्या है, एक्स है, कुछ भी बोल दो, मतलब आप इसको एक्स क्यों, आप इसको एस बोल दो, ठीक है, एस कोई भी एक पर्टिकुलर लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फिर जैसे आपने इसको बढ़ाया, ये बढ़ाओगे तो बेसी बात है कम होगा, तो ये आप कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो भी है, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, डॉलर जैसा बना देता हूँ, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अब भी वही है, अब भी वही है, इसका कंजप्शन और बढ़ा रहे हो तो इसका और कम होगा, पहले 5 कम हुआ था, अब कितना कम होना चाहिए, अब थोड़ा कम होना चाहिए, पहले आप ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहते हैं और बाद में कम सेक्रीफाइस, क्योंकि अब वो वाली चीज़ भी आपके पास है, तो जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है उसको पाने की इच्छा भी कम रहती है, दूसरी चीज़ जो चीज़ अपने पास थोड़ी कम हो जाती है उसको खोने की इच्छा भी कम होती है, शुरुआत में ज़्यादा थी तो उसको खोने की इच्छा ज़्यादा थी, जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती है वो चाहे जाते हैं, अरे चांदी जा रही तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत है, फिर जब कम हो जाती तो बोले अभी रखो यार, ज़्यादा नहीं खोना है, थोड़ा बहुत खो देते हैं। तो पहले एक एप्पल को पाने के लिए आपने 5 बनाना खोने को राजी थे आप, इसी बात को हम क्या बोलते हैं, MRS। पहले स्टेप पे कुछ ही, दूसरे स्टेप पे क्या हुआ कि आपको क्या पाने के लिए क्या खोना पड़ा, आपको एक एप्पल पाने के लिए 5
बनाना होना पड़े। MRS का मतलब ये होता है कि कितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, सेक्रीफाइस डिवाइड बाय गेन, ये होता है MRS का मतलब। क्योंकि सेक्रीफाइस जो कर रहे हो उससे डिवाइड किससे कर देंगे, गेन से। एक एप्पल को पाने के लिए 5 बनाना सेक्रीफाइस किए, दूसरी बार में आप 5 नहीं करेंगे, दूसरी बार में कम हो जाएगा वो, 4 बनाना ही सेक्रीफाइस करना आप चाहेंगे एक एप्पल के लिए, यानी कि 15 से कितना हो जाना चाहिए, 11। इसी तरीके से फिर ये बढ़ेगा, तो ये 4 हुआ, तो ये अब कितना खोना चाहेगा, 3 ही खोना चाहेगा। 3 बनाने के लिए मतलब एक एप्पल के लिए 3 बनाना खोना खो देगा, ये सेक्रीफाइस करने को रेडी रहेगा। तो अब कितना हो जाना चाहिए, 8। फिर जो है हम देखें जो है अब ये एक और बढ़ाना चाह रहा है, एक एप्पल और पाने के लिए कितना खोना चाहेगा, 2 बनाना खोना चाहेगा। ये रेट क्या होती है, कम कम होती जाती है। कम कम क्यों होती जाती है, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ ज़्यादा होती है उस चीज़ को हम ज़्यादा खो सकते हैं, मतलब जैसे कम होती है तो उसको फिर हम कम खोना चाहते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, चल जाए ज़्यादा, और कम है तो फिर कम ही जाने देंगे। आ एक सिंपल सी बात है, आपका बहुत ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा दान कर सकते हो ना, ज़्यादा सेक्रीफाइस कर सकते हो ना, ज़्यादा खर्चा कर सकते हो ना, कम पैसा है कम सेक्रीफाइस करोगे ना, या जो भी चीज़ आपके पास ज़्यादा होती है वो ज़्यादा सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कम होती है तो उसको सेक्रीफाइस करने की इच्छा भी कम होती है, राइट है। आपके 25 दोस्त हैं, 2-4 बात नहीं भी करें तो भी चल जाएगा, जा रहे तो चल जाएगा। आपके एक ही दोस्त बन पाया स्कूल में, मुश्किल से एक या दो ही दोस्त बन पाए, 2-3 दोस्त बन पाए मुश्किल से, तब तो 2-3 दोस्त को आप खोना नहीं चाहेंगे, उनकी हर बात आसानी से टालेंगे नहीं आप, होता है ना ऐसा। यस, ये इंसान का नेचर है। चलो, ये एक पाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 2 खोना पड़ रहा है, 8 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 6। फिर और आगे बढ़े क्या, और आगे बढ़ते हैं, ये 6 करते हैं मान लो, तो यहाँ अब हम कितना सेक्रीफाइस करना चाहेंगे, हम एक को पाने के लिए हम ज़्यादा एक ही सेक्रीफाइस करना चाहेंगे, कर सकते हैं। तो ये 6 से 1 गया, कितना बच गया, 5 बस, और कोई ज़्यादा इससे नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा कि ये कुछ बंडल बन रहे हैं, ये क्या बन रहा है, एक बंडल है, ये क्या 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 है, एक बंडल है, और इस बंडल पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। आप इस पर एक्स लिख दो, वाई लिख दो, कुछ भी लिख दो चलेगा, कुछ भी लिख दो, पी लिख दो, है ना। तो आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम है। और ये क्या आ गई आपकी, MRS आ गई, क्या आ गई, MRS आ गई, क्या आ गई, MRS आ गई। इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी देखा कि यहाँ पर भी एक को पाने के लिए दूसरे को खोना पड़ता है, एक को पाने के लिए दूसरे को खोना पड़ता है। तो ये जैसे आपने देखा था कि ये एक को पाने के लिए, ये एक को पाने के लिए इधर 2, एक को 2, 1:2 या 2:1 ऐसा रेशियो है इसका, इसका रेशियो ऐसा है, 2 सेक्रीफाइस करना पड़ रहे हैं एक को पाने के लिए, फिर 2 सेक्रीफाइस करना पड़ रहे हैं एक को पाने के लिए, 2 सेक्रीफाइस करना एक को पाने के लिए, 2 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है एक को पाने के लिए। ये भी इसी टाइप का रेशियो और ये भी इसी टाइप का ही रेशियो है। असल में ये रेशियो जो है उनकी प्राइस का ही रेशियो है। देखो 20 को 10 से डिवाइड करके क्या आएगा, 2:1 ही आएगा ना। तो जो बजट लाइन में रेशियो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, और असल में वो क्या होता है, असल में वो होता है उनकी प्राइस का रेशियो, क्या होता है, प्राइस का रेशियो। तो बजट लाइन का जो मतलब MRS बोल दो उसको, MRT बोल दो, कुछ भी बोल दो आप, जो सेक्रीफाइस वाला रेशियो है वो क्या है, वो ये रहा PX डिवाइड बाई PY, या यहाँ पर, हाँ ठीक है, उनकी प्राइस का रेशियो, उनकी प्राइस का रेशियो ही क्या है, सेक्रीफाइस का रेशियो होगा बजट लाइन में। और यहाँ पर जो सेक्रीफाइस का रेशियो, उसका नाम क्या है, MRS, क्या है, MRS।
अब जिस तरीके से कार्डिनल अप्रोच में एक एक फॉर्मूला था, क्या था कि एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम, इसी तरीके से यहाँ पर भी फार्मूला बनेगा। और यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा कि पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई इज इक्वल टू एम आर एस। जहाँ ये सिचुएशन मैच हो रही है वही बंडल क्या होगा, या वही वो जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहलाएगा। ठीक, ये दोनों मैंने एक अलग अलग एग्जाम्पल लिए, आइडेंटिकल एग्जाम्पल भी मिलेंगे आपको। तो जहाँ पर भी दोनों सेम हो जाए, यानी इसके सेक्रीफाइस का रेशियो और बजट डाइट के सेक्रीफाइस का रेशियो दोनों जहाँ बराबर होता है, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, बाय ऑर्डिनल अप्रोच। क्या बोलते हैं, बाय ऑर्डिनल अप्रोच। तो कौन से लेवल पर देखिए कि रेशियो बराबर हो रहा है, उसका तो 2:1 है ही सही। यहाँ 2:1 कहाँ हो रहा है, लास्ट में हो रहा है, लास्ट में हो रहा है। तो ये वाला बंडल जो है हम बाई करना चाहेंगे, ये वाला बंडल जो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला बंडल हो जाएगा। इसी को जब हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ये जो ये बजट लाइन है ना, और कौन सा वाला आ रहा है, ई वाला आ रहा है ना, ई ई वाला पॉइंट कहाँ आएगा, हाँ मान लो यहाँ आ रहा है। तो ये जो इंडिफरेंस कर्वे इसके पास में आप बनाओगे तो ये कुछ इस ऐसा बनेगा, इससे टच होते हुए, इससे टच होते हुए बनेगा। ठीक, फिलहाल एक बार और हम व्यवस्थित तरीके से कर लेंगे। और इसी तरीके से आप इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे फाइंड आउट किया जाए ये हमने अभी सीखा। मैं अभी आपको एक फ्रेश एग्जाम्पल दूंगा जिसमें आप सॉल्व करेंगे, और मैं भी बाद में सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया जाए ऑर्डिनल अप्रोच में, एक बिल्कुल आइडेंटिकल एग्जाम्पल के साथ में। क्लियर है बात, ओके, थैंक यू। We'll be right back.